दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा, ACA & ABC। आज का वीडियो दोस्तों खास है क्योंकि आज बच्चे आए हैं इसमें फार्म में हमारे। ये नए वाले फार्म में आज चिक्स का प्लेसमेंट हुआ है। इसमें कुछ कारण बन गया दोस्तों, काफ़ी दिक्कतें हुई हैं। फिलहाल के लिए अभी मोर्टेलिटी तो एक भी नहीं हुई है, पर क्या हुआ कि ये नया फार्म था, अभी ये जो काम करने वाले हैं ये भी नए हैं, इनको इतना आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों कि जैसे ही चिक्स आया है, उसको गुड़ पानी लगाने के बाद में, सुबह में 4 बजे चिक्स आया था, गुड़ लगाया गया है, हल्दी और मीठा सोडा, ये लगाने के बाद में अभी छोड़ दिया गया है। और बर्ड में काफ़ी दिक्कतें हैं दोस्तों। दिक्कतें ये है क्योंकि ये सगुना कंपनी का बर्ड है दोस्तों, अभी ये कंपनी से हम काम करने वाले हैं। इसमें दिक्कत ये हो रही है दोस्तों क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है बहुत ही डाउन है। और मैं सुबह में आया हूँ, मैं एक्चुअली क्या था कि मैं घर पर था और मुझे नहीं आइडिया था कि बर्ड इतना टाइम ही आ जाएगा, तो इन्होंने फ़ोन किया और मैं सो रहा था इसलिए मैं फ़ोन नहीं उठा पाया। अभी सुबह के 5:30 बजे हैं और 5:30 बजे दोस्तों क्या होता है कि गर्मी बहुत ही नाम मात्र होती है बर्ड के लिए, समझ लीजिए बहुत ही काफ़ी ठंडी होती है। और वही सिचुएशन इसमें भी है, काफ़ी ठंडक है। अभी टेम्परेचर मीटर लगा के हमने देखा है तो 80 डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर बता रहा है, जबकि वो 90 डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर होना चाहिए। तो वो टेम्परेचर भी डाउन है, इसलिए बच्चे जो है एक दूसरे के ऊपर बैठ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, झुंड में इकट्ठा हो रहे हैं। तो इस चीज़ को अभी दूर किया जा रहा है, दौड़ाएंगे इसके बाद। जब भी अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे हुए हैं इसमें डाल के, इसलिए मैंने इनको अभी दाना नहीं दिया है। जैसे ही दाना देना शुरू करेंगे, बर्ड्स में थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ेगा, वो दौड़ दौड़ के दाना खाना शुरू कर देंगे। अभी क्या है कि बर्ड ने सिर्फ पानी पी लिया है और पानी पीने के बाद में बर्ड इकट्ठा बैठने के लिए सोच रहा है, पर इसको बैठने नहीं देना है। आपको करना क्या होता है दोस्तों, जब आपका पहला दिन होगा उस दिन अपने बर्ड को एक जगह पर रुकने मत दीजिएगा। जैसे कि सामने आप देख पा रहे हैं, ये इस साइड वाला ये 250 का गोला है, इसमें 4000 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। 4153 बच्चे हैं टोटल, और ये कंपनी से है दोस्तों, ये सगुना कंपनी से है फार्म, इसमें एग्रीमेंट करवाया हमने। देखते हैं दोस्तों, अभी क्या है कि बजट इतना अलाउ नहीं कर रहा था, इसलिए हमने सोचा चलो सगुना से ही कर लेते हैं। तो आप देखिए, इस तरह से मैंने रात में इनको बताया था जो जो काम यहाँ हुआ था, पर क्या करें, अभी ये भी नए हैं जो हमारे बंदे यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो दोनों बंदे नए हैं। फिलहाल अभी ये ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक करेंगे हम लोग मिलकर के। लेकिन आपको ये सावधानी अपनानी होगी कि जब भी आपका चिक्स आए, चिक्स आने से पहले, जैसे पर्दा तो हम लोगों ने कल क्या परसों ही चढ़ा दिया था, मतलब जिस दिन चिक्स आया उसके 3 दिन पहले से ही पूरा पर्दा फुल चढ़ा दिया गया था, बंद था और दिक्कतें नहीं थी। हम लोग सोच रहे थे कि बर्ड जो है अपना चिक्स जो है आएगा वो सुबह में 8-10 बजे के करीब में, हमेशा गाड़ियाँ आती हैं, पर आज बहुत ही जल्द लगभग सुबह के टाइम पे ही आ गया। और मौसम ने भी हमारा साथ नहीं दिया दोस्तों, क्योंकि बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है बाहर, तो बारिश के कारण ठंडक भी है। और अंगीठी वगैरह का व्यवस्था भी नहीं हो पाया था, क्योंकि अगर ऐसा मुझे मालूम होता कि बारिश होगी आज के दिन, जिस दिन बर्ड आ रहा है, क्योंकि दोस्तों ये जब कंपनी से आप काम करेंगे तो कंपनी वाले का जिस दिन मूड होगा वो आपको बताएगा पहले, वो दिन फिक्स हो जाता है, उसी दिन ही बच्चा डाल देगा वो। उसको कैसा है टेम्परेचर, कैसा क्या करना है, वो सब आपको आपके ऊपर डिपेंड होता है, आपको मैनेजमेंट करना होता है। तो आप भी सावधान रहें दोस्तों, जिस दिन चिक्स आने वाला हो उस दिन क्या करें कि अंगीठी की व्यवस्था ज़रूर कर लें, क्योंकि दिन पर दिन अभी मौसम थोड़ा शुष्क होता जा रहा है और बारिश हो रही है, इसलिए और भी ज़्यादा ठंडक है।
अभी देखिए यहाँ पे देखिए पूरे बर्ड एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं। अगर इनको हटाया नहीं गया तो क्या होगा कि नीचे बर्ड होगा उसकी मोर्टलिटी हो जाएगी। अभी तक फिलहाल जब चिक्स आया है उस टाइम से अभी तक एक भी मोर्टलिटी नहीं हुई है और आगे भी ऐसे ही रहेगा दोस्तों, मोर्टलिटी नहीं होगा। ये क्या हुआ कि मैनेजमेंट गड़बड़ हो गया मेरा, मैं था नहीं यहाँ पे फार्म पे ये लोग थे और कंपनी वाले ने बताया था कि कल अगली सुबह में बच्चा आएगा। इतनी सुबह में आ जाएगा ये मुझे नहीं आइडिया था, नहीं तो ये सारी व्यवस्थाएँ हो जाती। बस अभी दो घंटे एक डेढ़ घंटे और होने के बाद में जब हमारा तीन घंटा पूरा हो जाएगा पानी पी के, इसके बाद में हम इनको तुरंत दाना खिलाना शुरू कर देंगे। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों थोड़ी गलती है हमारी भी, तो हम लोग को इतना आइडिया नहीं था कि बच्चा इतना जल्दी आ जाएगा, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो गई है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भूसी भी काफ़ी अच्छी डाली गई थी, मोटी भूसी डलवाए हैं हम। और ये जो सामने आप देख पा रहे हैं नीचे पेपर पड़ा हुआ, पेपर के जस्ट बगल वाला ये जो जाली के ऊपर लगा होता है वो वाला है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जो भी भाई नए हों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर किसी भाई को मुझसे बात करना है तो मेरे नंबर 84002375712 इस नंबर पे कॉल करके मुझसे जो भी जानकारी लेना है ले सकता है दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।